नमस्कार प्रेस्क्रिप्शन आउ एक अध्याय को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मु निवेदिता। दर्शक बंधु दिन को दिन नुआ नुआ रोगर ना सामना को आसुछी, या सहित मेडिसिन लंबा तालिका, किंतु कथा होउछी सठिक समय जेकोसी रोग होना कहीं जानी बुझी चिकित्सा करने सहित सचेतन होगा जरूरी। तेणु आपंक जेकोसी रोग सम्बन्ध में सचेतन कराइबापी आमरी स्वास्थ्यभित्तिक कार्यक्रम प्रेस्क्रिप्शन। दर्शक बंधु आम शरीर संपूर्ण भार जदि कह जाए आम पाद ही बहन करें। अनेक समय चलवा, खेलवा, डेइंबा, साइकेलिंग करवा एवं शारीरिक परिश्रम जो पादरे अधिक जंत्रणा देखा दिए। तेबे बड़ कथा होची पादरे कौन सब जंत्रणा देखा दिए एवं आरो ट्रीटमेंट कौन के समय डाक्तर परामर्श ने विशेषकर एपाई कौन करवा आवश्यक ए सबू को नहीं आलोचना करवा। आज जो आम टॉपिक रही पाद और गोइठी रोगर चिकित्सा सबुदिन भली आज आम सहित जड़े अभिज्ञ डाक्तर अच्छा। आज आम सहित अच्छा विशिष्ट अस्थिशल्य विशेषज्ञ स्पर्श हस्पिटाल डाक्तर अभिमन्यु मधुवाल। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर केमती अच्छा? भल अच्छी मैडम। आज काली दीपावली अच्छी अर्गस न्यूज तरफ देखुवा समस्त दर्शक बंधु मानक मो तरफ दीपावली अनेक अनेक शुभेच्छा। थैंक यू सो मच। सर जमी आम आज टॉपिक रखिंट जे पाद एवं गोइठीर समस्या। सर फास्ट क्वेश्चन रही पाद एवं गोइठी समस्या कहले आम कौ कौ समस्या देखा पाते? मैडम आपण जमी कहले जे आम शरीर पूरा भार पाद एवं गोइठी ही बहन करें, तो से पाद एवं गोइठी आम अनेक गुड़े समस्या देखा पाई था। जमती चलुवा समय आम पड़ीजा कि गोड़ मोड़ी गोइठी मोड़ी जहाँ आम आंकल स्प्रेन कहे बा गोइठीर तल पार्श्वे बहुत समय बहुत लोक पेन हुए जोटा को आम प्लांटार फैसिआइटिस कहे। डायबिटीज रोगी माने बहुत समय पादर समस्या सम्मुखीन होता है। डायबेटिक फुट बा जो जो घा हो जाए बहुत दिन धीरे सुखे ना बहुत समय रोगी मान पाद काटा पड़ थाए एमती समस्या जहाँ को डायबेटिक फुट प्रोब्लेम आम कहे। ता सहित गोइठीर पक्ष पार्श्वे फुली जा हाड़ बढ़िया बा फुली जाकि दरज हवा जहाँ को आम हैगलन डिफॉर्मिटी कहे। एमती गुड़ाए प्रकार प्रोब्लेम आम पाद एवं गोइठी देखा पाऊ। सर साधारणतः आम देखिं जे पाद कथा जमी आप कहते जेहेतु शीत दिन आरंभ हो गलानी सर शीत दिने विशेषकर पादर अनेक समस्या देखा दी थाए, तो सर नॉर्मल पादरी समस्या देखा देबा और शीत दिने जो भी समस्या देखा जाए डिफरेंस कौन देखते आप? डिफरेंस ये आम देखुचे मैडम शीत दिने जेकोसी गंठीर दरज हवा स्पेशली पाद हो बढ़ी जाए जहाँ को आम आर्थराइटिस कही था। विशेषकर यह डायबिटीज रोगी हूँ, रिमेटॉइड आर्थराइटिस रोगी हूँ बा वयस्क रोगी हूँ से क्षेत्र में एवं आर्थराइटिस रोग महिला मान क्षेत्र में अधिक मात्रा देखा दी थाए। शीत दिने ये समस्याटी बढ़ी जाए था। अच्छा सर महिला कथा जो कहले तो महिला क्षेत्र में कहीं सर अधिका देखा दिए ये जो पाद गंठी समस्या ये सब समस्या जिते गुड़िक आर्थराइटिस आम देखुचे ता भितर सबुठ कमन आर्थराइटिस है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। आउ रिमेटॉइड आर्थराइटिस जिते बड़े देखा जाए कौ पुरुष कि महिला भितर क्या अधिक मात्रा देखा जाए से सबुबले आमर रेसीो महिला मान सपक्ष में जाए रिमेटॉइड आर्थराइटिस। आउ से आर्थराइटिस जो पाद आ गोइठीर समस्या नहीं कि बहुत समय महिला मैंने डाक्तर परामर्श ओके। सर आम आगे कथा जड़े कलर हमको कॉल कर फास्ट कलर जगत सिंहपुर जोड़ी आज स्वागत कर प्रेस्क्रिप्शन को कौन प्रश्न रही? हेलो आज शुणी पार्टी? हाँ मुझे जगत सिंहपुर कहूँ उपेन्द्र सर। आज उपेन्द्र बाबू कहतु कौन प्रश्न रही? हाँ से पाद गोइठी बहुत पेन होती। अच्छा केबे ठार आपनकर ए सब समस्या देखा देउची? ये पाकी यही 15-20 दिन बेसी होला होउची। अच्छा आपन को एज केते लागी रही? 50। ओके सर सर 68 सर 60। उपेंद्र बाबू आपन को डायबिटीज बा अन्य कोन से ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल समस्या किछि अछि कि ना? ए सब किछि नाही। अच्छा प्रथम कथा तो आपण संध्या बेले दिन को दुई थर न होई परले थरे संध्या बेले उषुम पानी रे गोड़ बुडांतु, नरम चप्पल व्यवहार करंतु एवं कौन सी फिजियोथेरापी सहित परामर्श करी गोइठी एवं पादर 2-3 साधारण एक्सरसाइज अच्छी सेटा करंतु। मो मतरे आपण को मेडिसिन आवश्यकता एबे नाही। एतिक तीनोटी काम कर सारा पर जदि न कमुची ताहले आपण को डाक्टर जेकोसी अर्थोपेडिक सर्जन कर परामर्श नहीं कि आपण उपशम पाई परिबे। मते लागु नाही एटा बेसी किछि प्रॉब्लम आपण करिवो बोली। निश्चित भाव में धन्यवाद उपेन्द्र बाबू कॉल कर सर। जमी आप कहते हैं महिला क्षेत्र में बेसी देखा जाए सर, आम एम भी देखी बहुत जनकर कंप्लेन या थाए जी चलला बेला माने पादर तलता तली पाद जहाँ को आम कहती सेटा पेन हुए और फुले पादर गोईठी फुलबार कथा अनेक समय देखी महिला मान क्षेत्र में। तो विशेषकर सर महिला मान क्षेत्र में कहीं अधिका अच्छा आप दुईटी क्वेश्चन पचार गोटे है पादर तलीपा कष्ट और द्वितीय है पाद फुलवा। प्रथम आम अलग अलग करके देखा। प्रथम पाद तलीपा जोटा फुली कष्ट है जोटा समस्या जोटा को आम जनरली प्लांटार फैसिआइटिस कहूचे इंग्राजी में सेटार गुड़ाए कारण अच्छी। से गोटे कारण है प्रेगनेंसी समय पेशेंट मानू पाद कष्ट हुए, बयस अधिका हेले से फैट पैड एट्रोफी जो कष्ट हुए, डायबिटीज रोगी मानकर पादर समस्या नहीं कि कष्ट हुए, थायराइड रोगी हेले भी से पाद तलीपा कष्ट हुए। यार लक्षण है आम प्रथम जितेबाला शोक उठुचे पाद दौचे से बहुत कष्ट हो समय चलाबुला कलापर तापर आमको नॉर्मल लगुच कौन सी जगह बसिक आम उठिला बेल को पाद देला बेल को कष्ट हो। यार कारण पक्ष आम जब जाना से कारण है आम जितेबाला बसुचे बा शोचे सेते बेले आम पाद तलीपार गोटे प्लांटार फैसिया बोली गोटे झिल्ली बा परदा टाइप्र जिनसटे अच्छी। सेटा को जदि आम देखिपर ताहले ए पादर तलीपार ए धड़ा जो जिनसटी अच्छे सेटा हैला आमर प्लांटार फैसिया। सेटा जिते बेले आम शोचे बा रेस्ट करचे सेटा संकुचित हो जाउची। जितेबे आम प्रथम पाद दबा को जाउछे से संकुचित जिनसटा जोगु ही आमको कष्ट होची। सेटा किछि समय चलाबुला कलापर प्रसारित होगा जो आमको कष्ट मुक्ति मिलूँ तापर आम नॉर्मल चलाबुला करपे। सिंपल आमको प्लांटार फेसिया स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किछि ताको प्रसारित करिवार एक्सरसाइज करिवार अछि जोटा सोई कि उठिले आम 5-10 मिनट से एक्सरसाइज कर सारा पर एवं नरम चप्पल व्यवहार करने कथा उभय घर भितर एवं बाहर। एवं जदि न कमुची ताहले आम डाक्तर को परामर्श नबा कथा। जेनेराली ए कथाटी आम फिजियोथेरापी एवं मेडिसिन रे ठीक है। कथा होचंदी चप्पल कथा आपण कहउछन आगु मते कथा बाजे हील बेसिकली झियो माने बेसी व्यवहार करते ये गोटे बड़ कारण कि कथा बा आम आगु को किंतु आ जने कलर अछि ना कलटी नै जबा। स्नेहलता मैडम हम सतो जोड़ी छथि। मैडम स्वागत करू छी आपण को। कोन प्रश्न रहै छै मैडम कोन? आजा नमस्कार। नमस्कार मैडम। आजा सर मते रात रे सोई के उठला परे गोडर गुईठी बांगुरे गुईठी पादर से जो बथा होची माने चली होनी किसी समय चलला पर जाके ठीक होची। अच्छा मैडम आपन को डायबिटीज ब्लड प्रेशर की थायराइड समस्या किछ अछि कि आपन को? ना 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 सर किछ नाही। अच्छा ठीक अच्छे। ए क्षेत्र में आपण रोगर ना मुझे जहाँ कहली प्लांटार फैसिआइटिस होची बहुत समय आम जब कारण तार जापर ना ताक आम इडियोपैथिक प्लांटार फैसिआइटिस कहूचे आम किंतु ट्रीटमेंट हिसाब से गले आम प्रथम आपण जमी कहली कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने कथा शोक उठिला कि रेस्ट नहीं कि उठिला। द्वितीय कथा है आप नरम चप्पल व्यवहार करने कथा। तृतीय कथा है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने कथा। जदि ता सहित तो आपण किसी सिंपल एनाल्जेसिक पेन मेडिसिन खाइबा द्वारा कमु नाही ताहले आपण डाक्टर को परामर्श नबा कथा। ओके सर माने जेमति हील कथा में कथा होतले किंतु आउ जने कॉलर हम सता जोड़ी सले ना कॉल नै छिबा। आगे स्वागत करछि आपण को प्रिस्क्रिप्शन को कम प्रश्न रहै छै कोतो। परशुराम बाबू आपण सुनि पाउछन्ती मते? आगे सर मागे मैडम। आगे कोन तो कम प्रश्न रहै छै? आज्ञा सार मुझे कहूँ डाहण पट गोड़ मोर सारे जो तलीपा जो खालुआ जगह नुकी आज्ञा आज्ञा। अच्छा मैंने कौन जानवा चाहते बयस के समस्या देखा देलानी? आज्ञा डाहण पट गोड़ जो खालुआ जगह टा तलीपाटा से 2-3 मास है प्राय दर्द रोच मोर। अच्छा मु ये आमर कहतु परशुराम बाबू अनुरोध रही जितेबाला आप कल करुँचे दयाकोरी टीर भल्यूम कम करूँ सीधा जोग आम सहित फोन जोगे ही कथा हूँ ताले आम आपण कथा स्पष्ट भाव शुणिपारू। सर जमी से कहते जो पादर खालुआ जगटा जोटा कहते पेन हो 2-3 मास है तार गोटे कारण आमर आर्च जो पादर जो खालुआ जो आर्च जहाँ कहे फुट्र आर्च जोटा कहे सेटा ठीक भाव में गठित न होगा मे बी पेसेंटर फ्लैट फुट समस्या रही थाईपे बा सी जो प्लांटर फैसाइटिस समस्या रही थाईपे ये दुईटा कारण हुए जदि आम पेसेंट को देखिपर आउ एग्जामिन क्लिनिकाली एग्जामिन परीक्षा करें ठीक भाव में चिकित्सा देवा संभव हम खाली प्रश्न टे भावी सर आम जमी कथ हो चप्पल कथा कहते समस्ते बेसिकली माने हाई हिल माने बेसिकली महिला कथा जो आम आलोचना करती तो हाई हिल समस्ते पिंधुंट गोड़ भी अनेक समय जब आम बेसी टाइम पिंधिकी चप्पल रही जाऊँ तो गोड़ भी पेन हुए बेसिकली जो गोईठी गोड़र गोईठीटा पेन हुए सर कौन करवा दरकार से समय जो अधिक समय आम सेमती चप्पल पिंधिकी रोचे पूरा दिन टाइम प्रथम कथा मैडम हाई हिल डेफिनेटली कष्ट को कष्ट को दबारे यहाँ साहाय्य करे से जिते संभव अवॉइड आम कर समय अवॉइड करवा कथा तापर कि आपणकर गोड़ पछपटे जो गोछी जोटे अच्छे जोटा को एकिलिस टेंडन कहे सेटार स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किसी करवा कथा स्ट्रेचिंग कले ही आम गोईठी जंत्रणा मुक्ति पाइपर जदि यही प्रकार हाई हिल आम पिंधुचे। ओके सर आज जड़े कलर अच्छा अशोक बाबू आम सहित जोड़ी आज स्वागत करुँच प्रेस्क्रिप्शन को कौन प्रश्न रही कहतु अशोक बाबू शुणी पार्टी मत हेलो हेलो आज्ञा कहतु कौन प्रश्न रही आप सीधासख डाक्टर सहित कथ हूँ आज्ञा कहतु मैडम नमस्कार नमस्कार अया जो गोईठीटा पीड़ा हो प्लस तलीपाद पीड़ा हो अच्छा केते दिन हलाणी एमती माने पेन हो छी आ आज्ञा ओके सर माने पतंकर गोड़ पेन होउची माने समस्ते तो आउ थे मु कहि रखिबा को चाहूची जे जो माने कॉल करछंती दया करी कथा वा समय रे आपण टीवी रो वॉल्यूम कम करंतु एवं सीधा सो काम से तो फोन लाइन जोगे ही कथा होंतु आमे आपण को कथा स्पष्ट भाबे सुनि परिबो एवं डॉक्टर आपण को परामर्श देबे सर जा कहथले जे अशोक बाबू जे तांको गोड़ रो तळीपाद प्राय तो समस्त हमर सेम प्रॉब्लम मैडम देखंतु जदि आमे 4 रु 6 मास ए प्रकार औषध एवं फिजियोथेरेपी जोता बदल करबा ए सब थरे न कमुचे ताहले आमे नेक्स्ट स्टेप जोटा करि परिबा जोटा हैला गोटे लोकल स्टेरॉइड इंजेक्शन आमे दो से प्लांटर फेशियर ऊपरी भाग रे दो जो थरे बहुत पेशेंट मानन को ए समस्या रे उपशम मिलि थाए जदि ए इंजेक्शन देबा सत्वे भी पेशेंट को उपशम मिलि न थाए ताहले नेक्स्ट स्टेप हैला आमे सर्जरी करबा जोटा बहुत प्राय 2 रु 4% पेशेंट को क्षेत्र रे हमको सर्जरी करबा को पड़े जोटा को आमे प्लांटर फेशियर रिलीज सर्जरी कहू सेटा रिलीज सर्जरी करबा द्वारा पेशेंट मुक्ति पाई परिबा ए प्रकार पाद जंत्रणा। ओके आमे आगो कथा बसा जिनते आपण इंजेक्शन कथा कहतले सर्जरी कथा कहतले समस्त जानिबा मथे दरकार जे कि सेमते इंजेक्शन रही छी कि जा द्वारा पेन को कंट्रोल करा जाय परिबा आगो कथा आबा हम सहित डॉक्टर अछंदी आपण मथे हमको कॉल करू थांतु आपण हम सहित सीधासख कथा ही परिबे एवं डॉक्टर को परामर्श नै परिबे समय को छोटो ब्रेक रो ब्रेक पर खूब शीघ्र ब्रेक पर स्वागत दर्शक बंधु आम आलोचना करुँच पाद गोईठ रोगर चिकित्सा जदि आपंकर एमती किसी समस्या रही है कि घरे कहार समस्या रही है आपको सीधासख कॉल करेंगे डाक्तर सहित कथा पारे सर पुनः स्वागत करुँचे सर आम जमी आलोचना करुँच इंजेक्शन कथा कहते हैं सर्जरी कथ कहते हैं सर आम स्ट्रक्चर देखा आज आम बडीर जो पादर स्ट्रक्चरटा कौन कौ जगार बेसिकाली समस्या देखा दिए स्ट्रक्चर सर देखा स्ट्रक्चर जदि आम देखिपर आप अधिकांश लोकंकर समस्या ए गोईठीर सबा तल बोन जहाँ आम कैल्कानियस कहे तार तलपटे ही कष्ट हुए अधिकांश लोक मानू आउ गोटे कष्ट हुए पादर गोईठीर पछपाख जहाँ आम हैग्लन डिफॉर्मिटी कहे ये दुईटी समस्या आउ गोटे समस्या हूँ बुढ़ा आंगुठी जोटा हुए बहुत लोगों बुढ़ा आंगुठी बंका हो जाए जहाँ को आम बुनियन समस्या कहे ये तीनोटी मुख्य समस्या आउ गोटे समस्या है बहुत लोकंर आम देखुचे जो मानकर पादर तलीपा जो आर्चटा थाए सेटा डेभलप होने थाए जहाँ को आम फ्लैट फुट समस्या कहे तो निहत भाव में सर जो पाद कथा जमी कहते तो आम अनेक समय देखी सर गोड़ मोड़ी हो जाए माने जदि साइकिल पड़गले कि चलुवा बेले बेले भी पहाच चढ़ला बेले मोड़ी हो जाए तो सांगे सांगे आम भय करूँ जे गोड़ फुलिले आम कहते फ्रैक्चर होगा एक्सरे करने को पड़े बिना एक्सरे सर आम केमती जाना सर हाँ बिना एक्सरे केमती आम जाना जदि आम पड़ी जा गोईठी और पादर आघात लगी जदि आम पड़ी सांगे सांगे उठिकी चली पारे ताहले अधिकांश क्षेत्र में फ्रैक्चर होबार संभावना नाही। जदि भी आप डाक्तर परामर्श नवा जाऊे और आप डाक्तर रूम रे क्लिनिक रे चलिकी निजे जाइक पशि पारे ताहले अधिकांश क्षेत्र में अधिकांश कौन सबू क्षेत्र में ये आपणकर पादर फ्रैक्चर होइथिबार संभावना नाही। तो गोटे जिनस आम रूल आउट करदेले जे आमर फ्रैक्चर नाही पाद एवं गोईठी आउ गोटे जिनस होइथिबार संभावना अछि जे हाड़ को हाड़ जोड़ापी आमर गोटे स्ट्रक्चर थाए जहाँ मैं लिगामेंट कहे तो से लिगामेंट छिड़बार संभावना अच्छी। तो जदि आप पाद मोड़ी ही जा प्रथम ट्रिटमेंट आप निज घर ही आरंभ करें जहाँ को आम प्राइस कहे पी रेला प्रिभेनसन जोटा आम अधिक आघात पाइबारू निजक बंचेबा जमी क्रेप बैंडेज बांधिबा बा क्रच साहय चलवा आशावाड़ी साहय चलवा आर रे रेस्ट आम कहे पाद को आराम दवा अधिक चलाबुला चल प्रचल ना आई रेला आइस पैक बरफ दबा प्रथम ट्रिटमेंट आप बरफ दिंतु जेकोसी आक्यूट इंजुरी रे बरफ आप दिंतु। सी रे कंप्रेशन क्रेप बैंडेज बांधिबा बा प्लास्टर लगेबा स्लाब लगेबा सपोर्ट देबा कौन सी ब्रेस बा स्प्लिंट साहय रे। PRICE है एलिवेशन एलिवेशन अर्थात है आम पाद को छातीर लेवल रु उच्चारे रखा तकिया साहय देकी जितेबाला आम बसुचे कि शोचे ताद्वारा पाद फुला आमर कम है एवं आम घर ही ट्रिटमेंट आरंभ समस्त जाना उचित नॉर्मली हमें प्राइमरीली कौन ट्रिटमेंट करें। सर आज जो कलर अच्छा सर कल नहीं जावा आम सहित सुभाषिनी मैडम जोड़े जाजपुर आज स्वागत करुँच कौन प्रश्न रही कहतु सुभाषिनी मैडम शुणी पार्टी पंचावन आज्ञा गोटे पाद फुली अच्छा सर हाई बीपी रही है मैडम 55 वर्ष बयस रे आपनको ब्लड प्रेशर समस्या जोगो बहुत पेशेंट मानक ब्लड प्रेशर समस्या जोगो पाद रे रक्त जमाट बंधिबार और पुलिंग हवार जोगो पाद फुलिबार समस्या देखा जायछि। आपण निज जे ब्लड प्रेशर मेडिसिन एडवाइस करछन्ती से डाक्टर सहित भी परामर्श करने कथा जे ब्लड प्रेशर जोगो पाद फुलिबार संभावना अछि एवं ब्लड प्रेशर जोगो किछि मेडिसिन भी अछि जहा द्वारा खाइले हमर पाद फुलिबार संभावना अछि। गोटे मो तरफ एडवाइस आपण नै परिबे जे सोइला समय गोड़ तले गोटे तकिया देखि सोंतु जो गोड़ डाहाण गोड़ भी बाँ गोड़ आपणकर फुलुछि देखिबे सकाळ बेला को ढेर फुला कमी जाइथिबो दिन सारा आमे जते चल प्रचल होचे काम दाम करूचे ता मथरे गोड़ किछि फुली थिबो जोटा ब्लड प्रेशर रोगी क्षेत्र में साधारण समस्या जो कथा सर कहते आपड़ से मानतु गोड़ माने तकिया व्यवहार करंतु। धन्यवाद सुभाषिनी मैडम हमको कॉल करते बार सर गजेन्द्र बाबू हम सहित आउ जड़े कलर जोड़े आगे स्वागत करुँच आपण को प्रेस्क्रिप्शन को कौन प्रश्न रही कहतु। हेलो आज्ञा कहतु कौन प्रश्न रही। नमस्कार मैं बेंगलोर कहते हैं आज्ञा कहतु। अगर हमारा मिसेस को जो 46 तार बाद गोईठी और आंटू तो गोईठी में पीड़ा हो सकाल उठिला से बेसी पीड़ा होती गोईठी है। ओके सर 46 एज आगे सर आपण को भी से प्लांटर फैसाइटिस समस्या होची जदि आपण 6 मास रु अधिक धरिकी ए कष्ट रे पीड़ित अछंती एवं चिकित्सा नै कि भी उपशमन मिलु नाही ताहले आमे से पादर गोईठी जगह रे आमे गोटे लोकल स्टेरॉइड इंजेक्शन देले आपण को सेथ्रु उपशमन मिलियो बोली मोर आशा। ओके धन्यवाद गजेन्द्र बाबू कॉल कर बैंगलोर जड़े कलर कॉल करते सर आम देखी महिला मान क्षेत्र में भी तो एमती कंप्लेन थाए जे गंठी फुलुची पादर गंठी फुलुची झिमझिम हो जाउची पाद चलला बेले पाद केवल स्पेशली पाद रे ही पेन हुए सर या पचे आर्थराइटिस भी आम सर जानते आर्थराइटिस भी ये गोटे कारण कि आम कहीपर सर बिल्कुल आर्थराइटिस बहुत जो बहुत गुड़े रोग जो हो पारि थाए आर्थराइटिस जो पादर समस्या होगाटा बहुत साधारण कथा से निस्तार पाइबार उपाय है जे आम डाक्तर सहित परामर्श करके मेडिसिन खाइबा एवं फिजियोथेरापी करवा। ये सब बहुत समय पेशेंट मैंने कौन करती से डाक्तर परामर्श बिना ही मेडिसिन काउंटर रु मेडिसिन नहीं खाती जहाद्वारा से उपशम ठीक भाव पाई पारती तो बेटर कि डाक्टर को परामर्श करवा। सर आउ जड़े कलर अच्छा संतोष बाबू हम सहित जोड़े आगे स्वागत करुँच आपको कौन प्रश्न रही कहतु। हेलो हेलो आज्ञा कहतु कौन प्रश्न रही। हेलो आज्ञा शुणी पार्टी कहतु कौन प्रश्न रही। हाँ मोर से गोटे कौन स्वास्थ्य में खाऊंगे बहुत फिट रहने का ओके सर। डायबिटीज अच्छी क्या आपण को डायबिटीज रोग रे पीड़ित कि आपण नहीं नहीं डायबिटीज में किने किछ ना हां ठीक अछि। मु जहा भी आगुर कहि रखिली जे पादर किछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम समस्त सिखिबा कथा आ निजे करिबा कथा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज माने केम को प्राइप एक्सरसाइज माने जदी मु एठी को मोर पाद भाबिल मु हाथ को मोर पाद भाबिली एटा गोइठी पट एवं एटा अंगुठी पट तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज प्रथम हम सकाळ उठिला परे गोटे गोड़ को जोटा कष्ट होछि सेटा को आरो गोड़ ऊपर रखि कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हला एम्ति अंगुठी पट को एम्ति टाणी कि धरिबा मन मन गणिबा 1 रु 5 जाय 5 सेकंड परे पुणी छाडीबा पुणी आउथरे एटा को टाणी कि धरिबा ता द्वारा पादर जो तळपट झिल्ली अछि जा को प्लांटर फेसिया कहूचे सेटा स्ट्रेच हबो आ ता द्वारा हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके हमें उपशम पाई परबा। आ गोटे एक्सरसाइज हला हातर अंगुठी रे टिप सहाय्य रे हमें पादर तळीपा को गोल गोल सहाय्य गोल गोल करके एमति जति प्रेशर देकी अंगुठी मूळ जाय नोचे सेटा हला सेकंड एक्सरसाइज पादर तळीपा रे करबा कथा। एई दुटी एक्सरसाइज जदी हमें करबा डेली ताले बहुत प्रकार पादर समस्या रो हमें निस्तार पाई परबा बिना डाक्टर को परामर्श पर मेडिसिन सहायता। बहुत ही बढ़िया कथा समस्त जानिबा उचित मध्य। सर हमें टिके पूर्व कथा होतले जो इंजेक्शन कथा आपण कहतले सर इंजेक्शन ता सर फास्ट रिलीफ माने भलो आगे काम करे ना नाही मेडिसिन द्वारा काम माने कम करा जे परबो नहीं। मेडिसिन कथा हला मेडिसिन हला प्रथम ट्रीटमेंट जहा द्वारा पाखा पाखी 70 से 80% पेशेंट को उपशम मिल जाई थाए से माने ठीक हे जाई थांती। जदी आउ 10-15% पेशेंट जो माने मेडिसिन एवं एक्सरसाइज जो हम कहले से जदि से उपशम मिल न थाए ताहेले से इंजेक्शन आम दो जहाँ द्वारा पाखापाखि 10 से 15% पेशेंट ठीक हो जाता पारती एवं आउ 5% जो माने पेशेंट रहिले से क्षेत्र में आमको ऑपरेशन रो सहायता नवा पड़ता है। ओके माने ऑपरेशन रे आवश्यक सर्जरी पई एडवाइस करनते कि आपण जे ऑपरेशन कथा कहतले माने किते डेरी रे जदी हमें देखौ छन डॉक्टर को परामर्श करछन पाखापाखि मु जेमते कहली पाखापाखि 4 से 6 मास जदी हमें एई चिकित्सा मेडिसिन एवं फिजियोथेरापी रो सहायता रे ठीक हेई पारले नाही ताहले हमें इंजेक्शन रो सहायता नोचे। प्राय पेशेंट गोटे इंजेक्शन रे ठीक हो जाती स्थल विशेष में आम द्वितीय इंजेक्शन दवा को पड़ी था आवश्यकता जहाँ आम 3 से 4 सप्ताह पर प्रथम इंजेक्शन देऊ से जदि पेशेंट को उपशम न मिल थाए ताहले आम पाखापाखि 8 से 12 मास पर जब आपंकर प्रथम समस्या होता तार 8 से 12 मास पर आम ऑपरेशन पेशेंट मान को परामर्श दे था। ओके सर शेष प्रश्न जेहतु समय सरी आसला सर लाइफस्टाइल सहित कौन कनेक्शन यार आम देखुं लाइफस्टाइल एकदम परिवर्तन आम बाहर जिन खावा प्रिफर कर घर खावा आम खाऊना वेजिटेबल्स भी आम खावा कमे सारे तो सर कौन लाइफस्टाइल सहित कौन कनेक्शन आउ कैल्शियम अभाव आम नर्माल जानते हार्ट जहाँ भी प्रोब्लेम हुए तो लाइफस्टाइल सर केमती मेन्टेन करवा खाद्य बेसी फोकस प्रथम कथा है हाड़ जो दुर्बल हो जाए बयस जनित हाड़ जो दुर्बल हुए जहाँ आम ऑस्टियोपोरोसिस कहे एवं गंठी आमर जो समस्या होची बयस हेले जहाँ ऑस्टियो आर्थराइटिस कहे से आमको कैल्शियम और विटामिन डी युक्त खाद्य खाଇବା ग्रहण କରିବା କଥା जेमती है सूर्य किरण है चूना माछ है क्षीर एवं क्षीर जातीय खाद्य है जते सुखिला फल है आमर काजू किशमिश है स्प्राउटेड ग्रेन्स हाँ ड्राई फ्रूट है तापर है गजामुग गजा बुट है युवाक आम खाद्य इनक्लूड करने कथा फास्ट फूड जिते संभव अवॉइड करने कथा जीवन शैली दरकार विशेषकर लाइफस्टाइल परिवर्तन ही हमको निरोगी रखि पारबो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपण आसिले हम कार्यक्रम में शामिल हेले धन्यवाद। तेज दर्शक बंधु आम आज कथा होते जो टॉपिक थी आमर पाद और गोइठी जनित समस्या आम अध घंटा धरी चर्चा करूँ आम सहित डाक्तर आशा कर एपिसोड आपको निश्चित भल लगे पुणी देखा आगामी एपिसोड में आज जो अभिज्ञ डाक्तर से पर्यटन मत विदा दिंतु नमस्कार।